सुप्रभात प्यारी बच्चियों, आज मैं एक प्रश्न पूछती हूँ सभी से। हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं या जो भी किसी से सीखते हैं, वो कैसे पता चलता है कि हमने सीख लिया या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हम सही सीख रहे हैं? तब जब हम उसका उपयोग सही तरीके से करें, जब उसकी आवश्यकता हो हम उसे उस जगह पर प्रयोग में लाएं, तभी हम समझते हैं कि हमारी ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है वो सही दिशा में जा रहा है, हम जो अर्जित कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यही अर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है और इसको परखने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षा। क्या कहते हैं? परीक्षा। आज हम परीक्षा पाठ के माध्यम से महाभारत की एक छोटी सी घटना से अवगत होंगे। घटना तो छोटी है, परंतु इसका जो सार है, अर्थात इसका जो अर्थ है, इसके संदर्भ में जो संदेश दिया गया है घटना के माध्यम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ते रहने को कहा था। तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हो, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हो। आइए पहले पाठ को भली भांति पढ़ते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। व्यास जी ने महाभारत नामक महाकाव्य लिखा है, तो महाभारत नामक महाकाव्य किसने लिखा? व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने। किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। उन्होंने महाभारत में कौरवों और पांडवों के जीवन का वर्णन किया है। और महाभारत में उन्होंने किसके जीवन का वर्णन किया है? कौरवों और पांडवों के। कहा जाता है कि द्वापर युग में हस्तिनापुर नाम का राज्य था। शायद हस्तिनापुर मेरठ के आसपास था। पांडवों के पिता पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। कौरव और पांडव छोटे थे। गुरु द्रोण उन्हें शिक्षा देते थे। अभी हमने ये जो पढ़ा उसमें यह लिखा है कि पांडवों के पिता पांडु थे, ठीक है, और ये हम जानते भी हैं कि पांडवों के पिता पांडु थे और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। तो पांडवों के जो पिता पांडु थे, जब उनका देहांत हो गया, जब उनका देहावसान हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात सिंहासन पर कौन बैठे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और कौरव और पांडव छोटे थे, तो उस समय उन्हें गुरु द्रोण शिक्षा देते थे। आचार्य कृप ने बचपन में शिक्षा दी थी किसे? कौरवों और पांडवों को। द्रोणाचार्य शस्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। तो ये जब घटना हो रही है उस समय की बात है कि द्रोणाचार्य शस्त्रों की शिक्षा दे रहे थे, शस्त्र कि शस्त्र किस तरीके से चलाना है, कैसे चलाना है। कुछ दिनों के बाद गुरु द्रोण ने राजकुमारों की परीक्षा लेने का विचार किया। जब उन्होंने शिक्षा दे दी तो अब उन्हें देखना भी था कि मेरे जो शिष्य हैं उन्होंने कुछ शिक्षा अर्जित की भी है कि नहीं। तो इसके लिए उन्होंने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। पास के उपवन में उन्होंने एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बनाकर रख दिया। चिड़िया नीले रंग की थी, परंतु उसकी आंखें सफेद थीं। कुछ दूर पर सभी राजकुमार अर्थात 105 कुमार खड़े थे। उन्होंने घोषणा की। किसने घोषणा की? द्रोणाचार्य जी। वृक्ष की शाखा पर की चिड़िया की बाई आंख की पुतली को वान से भेदना है। तो उन्होंने क्या किया कि चिड़िया की बाई आंख की पुतली को, नॉट दाई आंख भी नहीं, बाई आंख की पुतली को वान से भेदना है। जो लक्ष्य भेद सकेगा वही परीक्षा में सफल होगा। सभी के मन में हलचल होने लगी। सभी मन ही मन निशाना लगाने लगे। गुरु द्रोण ने बारी बारी से सबको बुलाना आरंभ किया। तो सबके मन में कौतूहल हो गया
कि हम निशाना लगाएंगे। आपके मन में भी होता है ना, जब आप पढ़ाई करते हो कुछ नई चीज होती है, कभी कभी आप लोगों का क्लास में आप लोगों की आकस्मिक परीक्षा हो जाती है, तो आप लोगों को भी हलचल हो जाती है मन में, आपके कौतूहल आता है ना कि देखिए हाँ हमें कितना नंबर आता है, मैंने तैयारी कैसे की है। उसी प्रकार से उनके शिष्यों के मन में भी हलचल होने लगी। सबसे पहले पांडवों में बड़े युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। गुरु ने पूछा, पहले यह बताओ कि आप अपने सामने क्या क्या देख रहे हो। गुरु जी ने जब युधिष्ठिर आए तो गुरु जी ने सबसे पहले उनसे यह पूछा कि तुम्हें अपने सामने क्या क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपने सामने वृक्ष, उसकी शाखा पर बैठी चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने पुनः पूछा, क्या ये राजकुमार भी दिखाई पड़ रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ वे भी दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को लक्ष्य भेदने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? तो उस समय क्या हुआ, जब गुरुजी ने युधिष्ठिर से पूछा कि गुरुजी ने तो बता दिया था कि तुम्हें कहाँ निशाना लगाना है, उसके बाद गुरुजी पूछ रहे तुम्हें दिख क्या क्या रहा है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे शाखा दिख रही है, मुझे चिड़िया दिख रही है, मुझे अपने भाई भी दिख रहे हैं। तो गुरुजी ने उसी समय उन्हें बोला कि आप लक्ष्य ना भेदें। इसके बाद कौरवों में बड़े दुर्योधन या सुयोधन आए। गुरुजी ने यही प्रश्न उनसे भी किया, उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया। अब कौरवों की बारी आई और उसमें बड़े दुर्योधन और सुयोधन आए और उनसे भी गुरुजी ने यही प्रश्न किया, तो दुर्योधन ने भी यही उत्तर दिया, सुयोधन को भी हटना पड़ा। इसी तरह सभी के जवाब हुए, सबको लक्ष्य भेद से हटना पड़ा और बारी बारी करके गुरुजी ने सभी शिष्यों से यही प्रश्न किया और प्रश्न के मन मुताबिक उत्तर ना मिलने के कारण जो उनकी इच्छा थी, जो उन्होंने अपने मन में सोच रखा था, वो उत्तर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण उन्होंने सभी को लक्ष्य भेद करने से मना कर दिया। अंत में तेजस्वी छात्र अर्जुन की बारी आई। अर्जुन 5 पांडवों में तीसरा था, वह धनुष बाण लिए गुरु के पास आ गया, धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़ा हो गया। आचार्य ने पूछा, अर्जुन सामने क्या क्या देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल चिड़िया की बाई आंख की पुतली दिखाई दे रही है। और क्या देख रहे हो? गुरुजी ने पूछा, केवल सफेद पुतली देख रहा हूँ। जब अर्जुन से गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें चिड़िया में क्या क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया कि गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की बाई आंख की पुतली दिख रही है। गुरुजी ने फिर उससे पूछा कि तुम्हें और क्या क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ सफेद पुतली दिख रही है। गुरुजी के इस अर्जुन के इस उत्तर से गुरुजी प्रसन्न हो गए। वे बोले, एकदम ठीक अर्जुन, बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण चलाया, चिड़िया की आंख की पुतली बिंध गई, निशाना अचूक था। गुरु द्रोणाचार्य ने शुभाशीष देते हुए कहा, केवल लक्ष्य पर ध्यान रखने से विद्यार्थी सफल होता है, वही जीवन में भी सफल हो पाता है। कौरवों के मुख पीले पड़ गए, अर्थात कौरव दुखी हो गए, थोड़े निराश हो गए, थोड़े हताश हो गए, क्योंकि पांडवों में अर्जुन की विजय हुई थी और गुरुजी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो बात सिर्फ प्रशंसा की नहीं है, बात है आज भी आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई को अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य बनाकर नहीं पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ाई व्यर्थ है, उसका कोई मायने नहीं है। अतः सदैव अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए और उसी को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होइए। इस पाठ को भली भांति पढ़िए और समझने का
प्रयास कीजिए और इससे संबंधित कार्य जो भी मैं देती रहूंगी आपको करना है। धन्यवाद बच्चियों।